गुड एंड वेरी तरोताजा मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, वो दिन आ गया है जब आपको राइज करना है, आपको शाइन करके दिखाना है, राइट? सो दोस्तों, लास्ट मोमेंट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, होपफुली आपके काम में आए। सो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है, प्लीज डोंट टेक एनी प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ठीक है, देयर आर पीपल हु लव यू, हु आर योर वेल विशर्स, जो चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उनके इस चाहत का आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। सो बिंदास होके पेपर देने जाओ, खुश होके पेपर देके जाओ, देके आओ। 2 से 5, 5 बजे के बाद जब आप वहां से बाहर निकलो तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, आपको बड़ा खुशी फील होना चाहिए पेपर देके। जस्ट एंजॉय योर पेपर, गिव योर बेस्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने दिमाग में रखें। ठीक है, दूसरी बात, आपका 2 बजे पेपर है, 1:45 को आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, सो एक चीज आपको जरूर करना है कि आपको एग्जाम सेंटर को वैलेंटाइन पहुंच जाना है, लेकिन वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी पहुंच जाओ, बहुत जल्दी भी मत पहुंचो, बहुत देर से भी मत पहुंचो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर 1:45 का आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो 1:20 से लेके 1:30 के बीच में आपने वहां पे किसी भी हाल में पहुंच जाना है, मैक्स, उससे ज्यादा देर नहीं। ठीक है, 1:20 से लेके 1:30 के बीच में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, आप कितना दूर रहते हो उसके मुताबिक आपको यह तय करना है। मैं ये कहूंगा कि बहुत जल्दी भी मौत पहुंच जाना, बहुत जल्दी क्यों? अरे वो टीजीज घूमते रहते हैं वहां पे। टीजीज कौन है? टीजीज मतलब टेंशन गिवर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत भरे पड़े रहते हैं वहां पे एग्जाम सेंटर के बाहर, फुर्सत ही फुर्सत होती है उनको, उनको बस टेंशन देना है लोगों को। ठीक है, इनसे बच के रहना। मैं तो ये कहूंगा कि किसी से भी बात मत करो, कोई कितना भी जिगरी दोस्त है, अरे भाई आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो, इग्नोर, बाद में मना लेना उनको। ठीक है, जस्ट इग्नोर, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बॉयज स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू यू, अगर लड़कियां कोई क्वेश्चन लेके आए तो प्लीज पिघल ना जाना। ठीक है, आराम से अपने धुन में रहो, बी सेल्फिश, देयर इज नो हार्म इन इट, नो नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर एट दिस स्टेज आप अपने लिए सोचते हो, आप सेल्फिश होते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, इससे पहले जब आप वहां पे सेंटर में चले जाते हो, जब आप वहां पे बैठते हो, ठीक है, तो एक चीज करना, सबसे पहले जितने देर हो सके, थोड़े देर ही टाइम मिलेगा आपको, ट्राई टू मेडिटेट। ठीक है, शांत बैठ के मेडिटेट करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लास्ट मोमेंट पे काफी नर्वस हो जाते हैं, ये मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट मोमेंट 5 मिनट भी हुआ काफी है। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया, सबसे पहला चीज यह है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, पूरा नहीं देखना आपको, आपको हर एक क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देखना है, और इसके साथ साथ आपको एक रैंकिंग बना लेना है, एबीसी, मतलब एक रैंकिंग, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले करूंगा, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर मी। ओके, रैंकिंग कैसा, जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है तो क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले करना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप सीक्वेंस अपने मुताबिक रख सकते हो। ठीक है, सो आपको यहां पर सबसे पहले शुरुआत उस क्वेश्चन से करना है जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, उसको थोड़ा एंड के लिए शिफ्ट कर देना। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो थ्योरी क्वेश्चंस है इसको एंड में कवर अप करना, क्योंकि अगर थ्योरी को हम लोग पहले ही कवर अप कर लेते हैं तो हम लोग ना कुछ ज्यादा ही फुर्सत में लिखते हैं डिटेल, इतना फुर्सत कि बाद में टाइम ही ना बचे हमारे पास, तो इसलिए थ्योरी क्वेश्चंस को एंड में करना। एंड में बराबर दिमाग चलता है, थ्योरी में दिमाग भी चलता है और हाथ भी चलता है। ठीक है, तो उसको एंड में करना। इसके अलावा आपके क्वेश्चन, आपके पास जब आंसर शीट आएगा, आंसर शीट के मैं ये कहूंगा कि सेकंड लास्ट पेज में अप्रोक्सीमेटली उसे रफ पेज बना लेना, एक ऊपर लिख के रखना और उसको पूरा कैंसिल करना। रफ पेज बना के वहां पर आपको पूरे कुछ कुछ बातें लिख के आने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप BRS के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो BRS के क्वेश्चन में कई बार होता है कि लास्ट मोमेंट में दिमाग चलना थोड़ा बंद हो जाता है, होता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन के मारे ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ कुछ बातें वहां पे लिख के आने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओडी है, ओडी टेंशन देता है, ठीक है, तो ओडी से कैश बुक बैलेंस क्या होता है, पासबुक बैलेंस क्या होता है, ये सब चीजें वहां पे अगर आप लिख के रख लो तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, ये होने के बाद फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि आपको स्पीड मेंटेन करना है। अगर मान के चलो कोई एक या दो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ कंप्लीट हो गया, डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। ठीक है, आप कंटिन्यू करते जाओ अच्छे से, अगर टाइमली अगर कंप्लीट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पीड को शुरुआत से मेंटेन रखना, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर अक्सर लेंदी आता है,
तो कौन से क्वेश्चन में कब कितना ज्यादा वक्त लग जाए ये हमें नहीं मालूम, इसलिए स्पीड प्रॉपरली मेंटेन रखो, जितना फास्ट सॉल्व कर पाओ उतना फास्ट अच्छा है, लेकिन उस जल्दबाजी के चक्कर में गलती ना कर दो, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन देखा उसमें ज्यादा वक्त लग रहा है, आपने सोचा था 10 मिनट में हो जाएगा लेकिन कुछ ज्यादा टाइम लग गया, देन बी अलर्ट, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, वो अगर 10 मार्क की भी रहा ले लो 10 मार्क और दान में दे दो, इन्हें नहीं चाहिए हमें ये 10 मार्क, बाकी के 90 पे मैं फोकस करूंगा। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन की वजह से हम घबरा जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं इन एंड मोमेंट पे, ना समझ में नहीं आता क्या करें, अरे यार ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, स्पेशली अगर वो आपका फेवरेट टॉपिक है और उस टॉपिक पे कुछ गलती कर दिया तो बहुत नर्वस हो जाते हैं हम लोग, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने किया हुआ है, मेरे भी एग्जाम में ऐसा हुआ था कि मैंने जब क्वेश्चन लिखा था, कोई एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई नहीं आया मुझे वो ऑन दैट मोमेंट, मैंने उस वक्त सिर्फ आंखें बंद किए, एंड आई डोंट नो हाउ, व्हेन यू क्लोज योर आईज ना, द वन हु रियली केयर फॉर यू वो आपके आंखों के सामने आ जाएंगे, जैसे मैंने आंखें बंद की थी, मुझे मेरी मम्मी दिखाई दी और मम्मी मुझे बता रहे यस तू कर सकता है, तू जीतेगा, और उसके बाद आई केम बैक एंड आई फॉट बैक एंड आई completed it. So that is what I'm saying. Just aankhein band karo and you will be feeling confident. ठीक है? इसके अलावा मैं एक चीज हमेशा बोलते रहता हूं, वो ये है कि आपके अकाउंट्स के पेपर में स्केल पेंसिल से पूरा रूलिंग वूलिंग करना कोई जरूरी नहीं होता, आप ऐसे ही ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना होता है, ऐसे ही रूलिंग करो, कोई स्ट्रेट अगर नहीं भी होगा डजंट मैटर, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा भी ना करो आप, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप रूलिंग करो, रूलिंग में आपके मार्क्स नहीं होते, अगर वो सीधा लाइन नहीं रहा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, तो रूलिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ चलता है, नथिंग डजंट मैटर, चलता है बिल्कुल, कॉन्टेंट मैटर्स मोर, ठीक है। स्टेप मार्किंग होते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन अगर पूरी तरह से मुझे नहीं आ रहा या टैली नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट, आपको स्टेप्स पे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, सो उसको इग्नोर मत करना, स्टेप्स बिल्कुल लिख के आना, जितना जमता है उतना जरूर लिख के आना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फाइनल चेकलिस्ट की अगर एक बात करूं, तो फाइनल चेकलिस्ट में कम से कम 2 ब्लैक बॉल पेन तो लेके ही जाना है आपको, बेयर मिनिमम 2 कैलकुलेटर अगर पॉसिबल है तो 2 कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है, पता नहीं यार एक कैलकुलेटर दगा दे जाएगा लास्ट मोमेंट में, ठीक है। आपको आई कार्ड तो लगेगा ही, उसके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है आपको, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या ऐसा कुछ भी अगर है तो ये सब चीजें आपको लेके जाना है, ठीक है। और मोबाइल या स्मार्ट वॉच अगर आपके पास है ये नहीं लेके जाना है, अगर आपको कोई वहां पे ड्रॉप करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन दैट केस आप उनको वो दे सकते हो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा हुआ है, मेरे आंखों के सामने ऐसा हो चुका है कि इन्विजिलेटर्स जिनके पास मोबाइल है उनको सीधा प्रिमाइसिस से ही बाहर भेज दिए, कि आपको प्रिमाइसिस के अंदर भी मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, आप कहोगे कि मैं बैग में डाल के सामने रख देता हूं, नो, इवन दैट वॉज नॉट अलाउड, आपको मोबाइल अगर आपके पास है आपको प्रिमाइसिस में एंटर ही नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं मोबाइल फोन को अंदर बैग में रखना भी नहीं है, आपको बाहर ही रखना है कहीं, ठीक है। तो अगर कोई आपको रिसीव करने आ रहा है, कोई ड्रॉप करने आ रहा है तो उनके पास छोड़ दो, और अगर आप अकेले जा रहे हो तो लेके ही मत जाओ मोबाइल या स्मार्टफोन, घर पे रख के आना, ठीक है। ओके, दिस वॉज द लास्ट मोमेंट ऑफ यू थिंग्स, आप एट दिस मोमेंट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ पढ़ो मत, आपको जो अच्छा लगता है वैसा कुछ करो, जैसे गाना सुनना अच्छा लगता है गाना सुनो, ठीक है, मीम्स देखो, ठीक है, या कोई स्टैंड अप कॉमेडी अगर है कोई फेवरेट वो देखो, दिमाग को शांत रखो, खुश रखो, ठीक है। यस, लास्ट मोमेंट आप सब लोगों के लिए, आपकी हिम्मत बरकरार रखने के लिए मैंने जो सोच के रखा था, एक गाना जरूर गाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले,
हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाना है जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल तोड़ फोड़ के आ जाओ।